सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है टेनिस क्रिकेट मुंब्रा में। तो आज हमारे बीच में मौजूद है वन ऑफ द फेमस नेम्स इन मुंब्रा क्रिकेट, करीम शेख। करीम जो कि जिनका हमेशा ही एक योगदान रहता है मुंब्रा के क्रिकेट में, और वो हमेशा एक प्लेटफॉर्म, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जितने भी मुंब्रा के यंग प्लेयर्स है। तो आज हमारे बीच में मौजूद है करीम शेख। बहुत बहुत स्वागत है करीम आपका टेनिस क्रिकेट मुंब्रा में। थैंक यू। तो पहले तो आपको टीसीएम की पूरी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं कि आपकी टीम अमन स्पोर्ट्स एसएनपीएल में खेलती हुई नजर आएगी। और हम अपना इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे करीम कि ऑल ओवर टेनिस क्रिकेट में आपके दो सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमारे फेवरेट जो प्लेयर्स हैं, हमारे मुदस्सिर खान, जिनका मुंब्रा में बहुत नाम है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है प्लेयर हमारा, और जैसे बंटी है, जावेद कुरैशी है, ये इनका मैं बहुत तेजी से देखता हूँ, बहुत अच्छे हैं प्लेयर। इनको तो मैं देख कर मेरे को बहुत खुशी होती है, और यही देख के यही सोचता हूँ कि बच्चे लोग थोड़ा और हमारे जो बच्चे सीखे इनसे और आगे बढ़े। तो करीम, जिस तरह से देखा गया है कि मुंब्रा के बहुत सारे टूर्नामेंट्स में आपकी टीम परफॉर्मेंस करते हुए भी नजर आती है, और हमेशा ही आपका ओनरशिप में एक बहुत अहम हिस्सा होता है, तो क्या मोटिव रहता है आपका टीम ओनरशिप लेने के पीछे, और एसएनपीएल में आपने अमन स्पोर्ट्स टीम की ओनरशिप ली है, तो इसके पीछे आपका क्या मोटिव है? सबसे पहले तो मैं अकबर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और बिपिन सर जो इनके क्या नाम है अपना बिपिन सर है, और ये उनका काम्बले ब्रदर्स जो भी है, इनका बहुत तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और रही बात ऐसा है कि हमारे बच्चे लोग को भी शौक है क्रिकेट खेलने की, इनके लिए उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने का है। तो जैसे कि आप टीम अमन स्पोर्ट्स के ओनर हैं, और हर ओनर को एक आइकॉन प्लेयर सिलेक्ट करना पड़ता है, तो आपने अपनी टीम के आइकॉन प्लेयर के रूप में अब्बास मिशेल को सिलेक्ट किया है, तो इसके पीछे आपका क्या मोटिव है, और अब्बास में आप एज अ प्लेयर क्या देखते हो? अब्बास ऐसा प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर है, और मुंब्रा में अभी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा नाम कमाएगा और अच्छा बॉलर है, इसके लिए मैंने उनको अपना आइकॉन प्लेयर सिलेक्ट किया, और बस यही इतना कहना चाहूंगा हमारे पास। तो जैसे कि मुंब्रा में बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बाहर जाकर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और बहुत नाम कमाया है, तो इस टूर्नामेंट का एक अनोखा रूल है कि आप ऑल ओवर मुंब्रा में से दो लोकल प्लेयर्स सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपने वो दो लोकल प्लेयर किसको चुना है और किस लिए चुना है? एक हमारे जासिम भाई है जो कुलवाड़ा में रहते हैं, उनको सिलेक्ट किया, और एक नदीम उस्मान करके उनको भी मैंने सिलेक्ट किया, ये एकदम करीबी है, इनके लिए उनको अच्छा है मेरे को लगा, इसीलिए उनको सिलेक्ट किया अपने टीम में। जी बिल्कुल। और जैसे कि 27 मार्च को संजय नगर प्रीमियर लीग का ऑक्शन होने वाला है, तो ऑक्शन एक बहुत ही अहम हिस्सा है इस प्रतियोगिता का, तो उस ऑक्शन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और कौन से प्लेयर्स आप अपनी टीम में देखना चाहेंगे खेलते हुए अमन स्पोर्ट्स में? अभी ऐसा है कि इसमें प्लेयर तो बहुत सारे हैं ऑप्शन में, जहाँ तक कोशिश ऑलराउंडर लूंगा, बॉलर लूंगा, सब चीज लेने की कोशिश करूंगा। अभी ऐसा है कि मैच अभी इसमें कुछ कहना नहीं, जैसे प्लेयर कैसे है कौन आएगा वो तो माशाल्लाह वो उसी टाइम मालूम पड़ेगा, बाकी जहाँ तक रहेगी टीम अपना अच्छी टीम बनाने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी यंग प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे, तो उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहोगे आप करीम? उनके लिए मैसेज यही है, ये क्रिकेट बहुत अच्छा है, क्रिकेट खेलो, ये नशा विशा जो ये लोग करते हैं इससे नशा इनका मुक्त हो जाएगा, क्रिकेट में ज़्यादा ध्यान देंगे थोड़ा बढ़ावा होगा, सब यही है कि मुंब्रा में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जैसे ये सब टूर्नामेंट हो रहा है इसमें सब ध्यान देंगे क्रिकेट में, तो यही है अपना। तो करीम, जैसा कि हम जानते हैं कि आप अमन स्पोर्ट्स करके क्रिकेट शॉप भी रन करते हैं, तो आपका स्पोर्ट्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपका, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी यंग प्लेयर्स नए नए आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो लोग इंक्लूड होते हैं, तो उन सभी यंग प्लेयर्स के लिए क्या स्पेशल मैसेज देना चाहोगे आप? उनके लिए यही मैसेज देना चाहूंगा, वो क्रिकेट खेले और अच्छे से खेले और अपने आप को इंक्लूड करें, सब कैसे खेला जाता है सब बच्चे लोग को देख के सीखे, क्रिकेट बहुत ही अच्छा चीज है, क्रिकेट में ध्यान देंगे तो अच्छा है, और पढ़ाई में भी ध्यान दें, बस यही है, नशे से ये लोग बचे। तो बिल्कुल अब्बास, जैसा कि आपको आइकॉन प्लेयर के रूप में अमन स्पोर्ट्स में चुना गया है, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या आप इस चीज को एज अ प्रेशर ले रहे हो, क्या या आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, आप कैसे किस तरह का परफॉर्मेंस हम आपके तरफ से देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट में? मैं तो पहले दिल से शुक्रिया अदा करूंगा करीम भाई का, जिन्होंने मेरे को आइकॉन बनाया, दिल से शुक्रिया करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि पूरा 100% दूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया करीम और अब्बास हमसे बात करने के लिए। टीसीएम की पूरी टीम की तरफ से अमान स्पोर्ट्स को बहुत बहुत बधाई,
और हम दुआ करते हैं कि आप इस टीम में आगे तक पहुंचे और बिल्कुल ट्रॉफी भी आप जीत कर ले जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग विद अस करीम एंड अब्बास। थैंक यू टीम से।